वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि हम जो है वडोदरा जाने वाले हैं। टोटल 6 पर्सन है हमारे साथ। हमारे साथ ये भी आने वाला है हिमांशु। तो अभी जो है हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, टिकट बुक करवानी है रेलवे की, वडोदरा की टिकट बुक करने वाले हैं हम लोग जाने वाले हैं MSU यूनिवर्सिटी में। और ट्रेन का टिकट का जो फॉर्म है वो मैंने फिलअप कर दिया था। और तो अभी जो है पहले वहाँ पे कैश में पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। तो कैश में पेमेंट करना है सो मे बी ATM में पहले जाएंगे और ATM में से पैसे निकालेंगे, बाद में हम जाएंगे रेलवे स्टेशन और वहाँ पे बुकिंग कर देंगे। हमारे साथ दो प्रोजेक्ट होने वाला है, एक जो है हाइड्रेक्स है और एक जो है बलिस्टा है। हाइड्रेक्स का जो है आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बलिस्टा में थोड़ा थोड़ा ही मॉडिफाइड करना है। लास्ट ईयर जो हमारे दो प्रोजेक्ट थे वो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं फिर से वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं MS यूनिवर्सिटी में। अभी जो है हम पहले ATM में चले जाते हैं, बाद में उधर से पैसे लेके बाद में रेलवे स्टेशन पे चले जाएंगे। ओके। सो यहाँ पर जो हमारा ATM आ चुका है, यहाँ पे जो अभी पैसे निकाल लेता है और पैसे निकालने के बाद हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। सो अभी वो जो ब्रांच थी उसमें ATM में पैसे नहीं थे, इसलिए अभी जो है ये ब्रांच पे हम जाएंगे और वहाँ से ATM से विड्रॉल करेंगे पैसे। ये ATM में जो है पैसे थे, वहाँ से जो हमने कैश है जो विड्रॉल कर लिया है। अभी जो है हम ड्रिल मशीन कैरी करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी जो है ये ड्रिल मशीन हमने ले लिया है, जो हम रेलवे स्टेशन की ओर जाएंगे और वहाँ पे टिकट बुक करवाएंगे। ट्रेन की टिकट जो है बुकिंग हो चुकी है, अभी ये तो कंफर्म ही है। तो अभी जो हम घर जाएंगे और वहाँ पे जो हमारे दोनों प्रोजेक्ट है वो घर जाके आपको बताता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। अभी यहाँ पर जो है स्टिक करने का प्रोसेस कर रहा है, आर्म्स वो हम स्टिक कर रहे हैं। इतना जो है कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा मेन आर्म है वो हम स्टिक कर चुके हैं। अभी यहाँ पर जो है हमारा जो बकेट है उसका साइड हमारा कट हो चुका है और ये जो हमारे दोनों आर्म्स है वो आर्म्स भी कट हो चुके हैं और यहाँ पे हमने वो जो पार्ट्स है वो भी असेंबल कर दिए हैं। जो हमारे 9 पीसेस थे वो कट हो चुके हैं। अभी जो है हमारा स्टिकिंग का वर्क चालू कर दिया है, अभी जो है पूरा स्टिक होगा। हमारा जो बकेट है वो कंप्लीट हो चुका है और ये सब पूरा आर्म्स है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो हमारे सिरिंज है उसको हम शेप देने के लिए जाएंगे। ओके। सो यहाँ पर जो ये हम कट कर देंगे। अभी जो है इंजेक्शन हमने इस टाइप में कुछ घिस लिया है, जो ये पाइप होती है उसमें कुछ इस टाइप का सेटिंग किया है। तो इस टाइप में पूरा इंजेक्शन जो हमारे 10 इंजेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे इस टाइप। ये जो हमारा केबिन है JCB का वो पूरा डिजाइन हो चुका है, केबिन जो है हम कट करेंगे। JCB का केबिन है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी जो है पूरा केबिन हमारा रेडी हो चुका है स्टिक करके, देखो हमारा आर्म जो है पूरा कंप्लीट हो ही गया था। अभी जो है ये पूरी बॉडी भी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो चारों साइड से। हम गियर मैकेनिज्म कर रहा है वो किस लिए वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। गियर की कटिंग चालू कर रहा है। ओके। तो अभी जो है हमारी JCB की जो है बॉडी भी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा आर्म्स है वो दोनों आर्म्स भी रेडी है, बकेट भी रेडी है और वो गियर मैकेनिज्म भी रेडी है। ये प्लेट पे हम पूरा वो JCB लगाएंगे, JCB की बॉडी ये प्लेट पे आएगी और ये जो नीचे का ये गियर है, ये गियर मैकेनिज्म क्यों लिया, जो हमारा गियर मैकेनिज्म है इसमें ये नीचे पूरा JCB घूमना चाहिए, इसलिए हमने लिया है ये गियर मैकेनिज्म। तो अभी जो हमारी जो गियर मैकेनिज्म है वो पूरी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। अभी जो है ये जो बेस प्लेट है वो इसके ऊपर, ये जो हमारा स्मॉल गियर है
उसके ऊपर ये ऐसा लग जाएगा। जब हम ये गियर घुमाएंगे तब ये हमारा पूरा जेसीबी है वो पूरा कंप्लीट इस तरह से घूमेगा। तो अभी जो है हमारा जेसीबी है वो पूरा हमारा बेस प्लेट पे लग चुका है। ये जो गियर मैकेनिज्म है वो भी पूरी कंप्लीट कर दी है और हमारा जेसीबी का जो आर्म और बकेट वो पूरा असेंबली है वो भी कंप्लीट कर दिया है। अभी जो है हमारा बकेट है उसका बकेट का जो कनेक्टर्स आता है वो कनेक्टर्स पे जो है होल्ड करेंगे ड्रिल से, यहाँ पे जो है हम लगाएंगे यहाँ पे वो कनेक्टर्स। इंजेक्शन का भी जो है कनेक्शन है वो भी कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। हमारा जो जेसीबी है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो है इंजेक्शंस और वो सब कंप्लीट कर दिया है। केबिन के इंटीरियर में हमने कुछ इस टाइप से किया है, अंदर एक स्टेरिंग लगाया है डमी और यहाँ पे जो है साइड ग्लास लगाया है और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे जो है साइलेंसर लगाया है, आप देख सकते हो। ये पूरा काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर जो है हैंडल्स बनाने की तैयारी चल रही है और इस टाइप में कुछ हम हैंडल्स बनाएंगे जो हमारे इंजेक्शंस है वो इसमें फिट हो जाएंगे। तो अभी जो है हमारे जेसीबी का जो हैंडल था वो भी पूरा मैकेनिज्म रेडी हो चुका है। अभी जो इसके अंदर वाटर की जो ब्लीडिंग है वो मैं बाद में कंप्लीट करूंगा। तो इतना पूरा कंप्लीट हो चुका है।